नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि जितने भी कैंडिडेट बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म 100% जो है सो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से अपलोड कर लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है सो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, डेट भी बताया गया है कि 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है सो अपलोड कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ओके, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि मुझे पूछ रहे थे कि सर बताइए, आप जो बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट सभी कैंडिडेट को अपलोड करना है तो कहाँ पर बताया जा रहा है, लाइव प्रूफ में आप मुझे दिखाइए कौन सा नोटिस में है। तो मैं आप लोग को लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ कि सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि मैं आप लोग को इसका ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया उस नोटिफिकेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं और छोड़ देते हैं। तो आप चलिए आप लोग को बता देते हैं लाइव प्रूफ में। तो चलिए सबसे पहले इसका नोटिस निकालते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया जो यहाँ पर मैं ओपन कर रखा हूँ। ओके, आप लोग देखे होंगे लेकिन ध्यान से नहीं देखें। ओके, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में सुधार हेतु अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदु पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है। उसके बाद साथ ही नीचे देखेंगे, नीचे आप लोग पढ़े नहीं होंगे। ओके, यहाँ देखिए, साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को लाइव प्रूफ में दिखा दिया कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी यहाँ पे साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, सभी अभ्यर्थियों को जो है सो आरक्षण शैक्षणिक तकनीकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बताना चाहूँगा आप लोग एक ध्यान देंगे कि जिस टाइम आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था जिस टाइम आवेदन किए थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, लेकिन अभी दिया जा रहा था, यानी कि सभी स्टूडेंट को यहाँ जो है सो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया। ओके, और चलिए लाइव प्रूफ में दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है सो किस तरह से वहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है सो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है सो आप लोग देखेंगे अपलोड सर्टिफिकेट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपलोड 10th मार्कशीट पीडीएफ फाइल साइज बिटवीन 50 KB से लेके 1 MB के बीच होना चाहिए, जो कि 10th का मार्कशीट। ओके, अपलोड करना है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके, जो कि मूल प्रमाण पत्र होता है। सभी डॉक्यूमेंट को 1 MB से कम ही रखना। ओके, उसके बाद देख सकते हैं 12th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स अपलोड वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ, जो कि जैसे कि आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके बाद यहाँ अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे कि आवासीय या निवास जो होता है वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कास्ट एससी कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फाइल साइज जो कि यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग ये जो है सो 7 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि जो है ये 7 डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर दे। सभी कैंडिडेट को ये बताया गया। ओके, तो सभी कैंडिडेट जो है सो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। जनरल कैंडिडेट को 6 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, अगर वो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किए थे तो ईडब्ल्यूएस जो है सो कास्ट में अपलोड करेंगे। ओके, तो ये सारा प्रोसेस मैं आप लोग को बता दिया कि लाइव प्रूफ में ये भी दिखा दिया कि वहाँ पे जो है सो नोटिफिकेशन में बताया गया कि सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए, नहीं तो फॉर्म बाद में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप बहुत पछताएंगे। ओके, तो सभी कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट जो है सो अपलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट जिनको पता नहीं है कि मेरा भी जो है सो हमको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वहाँ पर वो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि नहीं, जिसका गलत हुआ उसको बोल रहा, नहीं आपको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, गलत हुआ या नहीं हुआ है। ओके, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में पछताएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100% में बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए, अगर आप लोग को मैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर करिए ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए मिलते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।